केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर और धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने कहा, ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को कश्मीर से क्या लेना देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 के दिन समाप्त करके कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ कर दिया। यह कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं कि सपने में भी आप सत्ता में नहीं आ सकते, लेकिन अगर कभी आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का फैसला है। ये कश्मीर, इसे भारत से कोई छीन नहीं सकता। पूरे देश भर में 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। एक कांग्रेस वाले कहते हैं एमपी राजस्थान को कश्मीर से क्या लेन देन। मंडला वालों बताओ, कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? वो भारत का हिस्सा है या नहीं है? मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ दिया। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है कि धारा 370 हटाकर क्या करना था। भाई और बहनों, मैं आज कांग्रेस पार्टी को कह देता हूं, सपने में भी आप शासन में नहीं आ सकते हैं, मगर आ भी गए कभी कभार आ भी गए तो धारा 370 को हाथ मत लगाना। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फैसला है कि कश्मीर, इसको भारत से कोई छीन नहीं सकता। भाई और बहनों, आतंकवाद, नक्सलवाद पूरे देश को डस रहा था। मोदी जी ने नक्सलवाद को मध्य प्रदेश से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और पूरे देश भर में 10 साल तक कांग्रेस का शासन था। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मनमोहन सिंह उफ नहीं करते थे। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आदर्श कॉलोनी उधमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बड़े सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी कल उधमपुर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अक्सर उधमपुर आते हैं और उधमपुर को विशेष प्राथमिकता देते रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दशकों के कांग्रेस शासन के दौरान विभिन्न समुदायों द्वारा झेले गए ऐतिहासिक शोषण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे कांग्रेस शासन के दौरान दलितों, अनुसूचित जातियों और ओबीसी जैसे समुदायों की उपेक्षा और शोषण किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण सुधार लाने और वाल्मीकि समाज जैसे पिछड़े समुदाय को नागरिकता का अधिकार देने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में इन समुदायों के सदस्यों के पास नागरिकता और रोजगार के अवसरों जैसे बुनियादी अधिकारों का अभाव था, जिसे मोदी सरकार ने दूर कर दिया। नहीं, एक तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर पधारने वाले हैं, हम सब के लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है क्योंकि मोदी जी बार बार उधमपुर आते रहे हैं और विशेष प्राथमिकता भी देते हैं। और दूसरी, ये जो छोटी बड़ी सभाएं चल रही हैं, चुनाव का मौसम है, हमारे साथ ओबीसी के भी मुखिया खड़े हैं, ओबीसी को लेकर के भी ये कार्यक्रम हुआ, और इस ये समय है कि लोगों को और आपके माध्यम से भी ये समझाया जाए कि किस तरह से कांग्रेसियों ने 60-70 वर्ष इनका राज रहा, जिन वर्गों का इन्होंने शोषण किया उन्हीं को आकर के अब ठगने की कोशिश हो रही। ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जितने भी रिफॉर्म सुधार हुए हैं वो मोदी जी के कार्यकाल में हुए। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो कितना बड़ा अन्याय था कि वाल्मीकि समाज को 60-70 वर्ष तक ना नागरिकता का अधिकार था, ना सरकारी नौकरियों में याचिका देने का अधिकार था। वाल्मीकि समाज का बच्चा चाहे पीएचडी कर ले, एमएससी कर ले, एमए कर ले, उसको वही काम करना पड़ता था जो उसके बाप दादा कर रहे थे। पहली बार मोदी जी ने उस पाबंदी से उसको मुक्ति दिलवाई। इसी प्रकार हमारी बेटियों को अधिकार मिले, इसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली, ओबीसीज़ को रिजर्वेशन, ओबीसीज का की संख्या ही यहाँ नहीं थी, ओबीसी का नाम पहली बार जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने लाया, और इस तरह से भारत की मुख्य धारा में उनको शामिल करके जो बाकी देश में जिस प्रकार से हर वर्ग की चिंता एक समान हो रही थी वो अब होने लगी।
ये तो चाहते ही नहीं थे। यहाँ पर शरणार्थियों को वोट नहीं दिया, वोट का अधिकार ना था, नागरिकता का अधिकार नहीं था, मात्र और मात्र उसके पीछे एक ही भाव था कि इनको तुष्टीकरण की राजनीति में लगता था कि हमारा वोट बैंक नहीं है। वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी ताकतों के लिए खड़े हैं और दूसरी तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर के अपना प्रचार कर रहे हैं। वो इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं, यदि वो समझते हैं कि वो अपना माजी भूल गए तो शायद उनको गलती लग रही है कि लोग अपना उनका माजी नहीं भूले, अगर भूले भी। ओल्ड टाउन बारामूला में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने लश्करे तायबा के 3 आतंंकी साथियों को गिरफ्तार किया है। बारामूला पुलिस को पक्की खुफिया जानकारी मिली थी कि प्रतिबंधित लश्करे तायबा से जुड़े कुछ अज्ञात आतंकवादी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के इरादे से बारामूला की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके बाद 3 लोगों की पहचान की गई। ये 3 आतंकवादियों की मदद कर रहे थे और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। आरोपियों का मकसद बारामूला में शांति प्रक्रिया को बाधित करना था। संसदीय चुनाव के मद्देनजर सीमा पर सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। बारामूला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपियों को ओल्ड टाउन बारामूला से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 3 हथगोले भी बरामद किए गए। पुलवामा के फ्रेसीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के संयुक्त ऑपरेशन में एक आतंकी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान श्रीनगर के दानिश के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ बटालियन ने सेना की 53वीं राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर शाम करीब 4 बजे फ्रेसीपोरा इलाके की घेराबंदी की थी। इसी बीच इलाके में आतंकियों ने घुसने की कोशिश की, हालांकि मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया और उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस और सेना के साथ सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुठभेड़ स्थल पर ऑपरेशन की समीक्षा की है। इंतखाबात से पहले यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। फ्रेसीपोरा एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है, अगरचे अभी इसकी शनाख्त नहीं हुई है, लेकिन देखा जा रहा है यही कि जो मिलिटेंट है, जो कि 4 बजे रात को यहाँ एनकाउंटर शुरू हुआ था, तो उसमें जो झड़प में ये मिलिटेंट मारा गया था, तो इसकी डेड बॉडी भी रिकवर की गई है। तो इसमें आर्म्स एंड एमिनिशन भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर की। यही देखा जा रहा है कि जो पार्लिमानी इंतखाबात है उससे कबल यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बड़ी कामयाबी तस्वीर की जा रही है, क्योंकि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बिना पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। बिलाल खान, News 18, फ्रेसीपोरा, पुलवामा। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कई बड़ी हस्तियां बीजेपी में शामिल हो रही हैं। इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व कांग्रेस नेता जहांजेब सरवाल भी शामिल हैं। सरवाल ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 5 अगस्त को किया वो एक बड़ा बदलाव था। जम्मू कश्मीर के लोग लोकतंत्र से जुड़ना चाहते हैं। पहले यहां से चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलाल होते थे। जहांजेब ने कहा कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि एक राष्ट्र सेवा आंदोलन भी है। मैंने इससे पहले अभी ज्वाइन करते समय ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल एक राजनीतिक दल नहीं है बल्कि अब जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण का एक आंदोलन बन चुका है, जिसमें हर युवा को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, इस आंदोलन का सिपाही बनके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो पॉलिसी लेस और डायरेक्शन लेस अपोजिशन इस टाइम चल रही है, इट इज़ हाई टाइम फॉर पीपल ऑफ दिस कंट्री एज वेल एज जो पॉलिटिकल स्फीयर के लोग हैं कि वो अब उस अपोजिशन को भूल जाएं। यकीनन देखिए, इस देश में अपोजिशन की ज़रूरत है, बट अपोजिशन और क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने के लिए होना चाहिए, वो क्रिटिसिज्म देश निर्माण के लिए होना चाहिए, जो अब दूर दूर तक कहीं भी दिख नहीं रहा है। आप कांग्रेस में थे, क्या कारण रहा कांग्रेस छोड़ने का? मैंने स्पष्ट कहा कि पॉलिसी लेस, विजन लेस एंड डायरेक्शन लेस थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द कांग्रेस। मतलब आप केवल आलोचना करिए, अगर सरकार ने मकान बनाकर दे दिए गरीबों को तो आप इसकी सराहना करने के बजाय ये कह रहे हैं कि एज अ प्रवक्ता कि अब आप लोगों से या सरकार से ये पूछिए कि मकान में अंबुजा सीमेंट क्यों लगाया, दूसरा सीमेंट क्यों नहीं लगाया।
अगर हेल्थ सेक्टर के लिए प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए दिया जा रहा है तो आलोचना करने की गर्ज से आप ये कहिए कि 5,25,000 रुपए क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये तरीका जो है ये राजनीति में अब नहीं चलने वाला है। जनता समझ चुकी है कि आने वाला समय जो है वो विकसित भारत का समय है, आने वाला समय जो है जैसे अभी पुरी साहब कह रहे थे इलेक्टोरेट वेलफेयर का समय है, और आने वाला समय जो है वो एक बार फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का समय है। मेरा आखिरी सवाल, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, आपने जिक्र किया आर्टिकल 370 हटाने को लेकर, कितना बदलाव आप देखिए, चूंकि विपक्ष तो आज भी उसी मुद्दे पर है, तमाम चाहे जम्मू कश्मीर की पार्टियां हो या कांग्रेस हो, वो लगातार कहीं ना कहीं इस पर हमला करता है बीजेपी के ऊपर। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी वहां भी कर रहा था कि विपक्ष जो है पॉजिटिविटीज पर भी अब आलोचना करना शुरू हो गया है, जो एक बहुत बड़ा कारण है मुझ जैसे युवाओं का या और कई सारे नेताओं का पार्टी से किनाराकशी करने का। आप देखिए टूरिज्म इंडस्ट्री बूस्ट पर है, आप देखिए सड़कों का निर्माण किस तरीके से जम्मू कश्मीर में चल रहा है, टनलों का निर्माण किस तरीके से चल रहा है। अभी पुरी साहब बता रहे थे कि क्योंकि इनके पास तो डेटा ज्यादा है, खुद उस मंत्रालय में है, कि किस तरीके से फ्लाइट्स में रश भरा हुआ है, हड़तालों की इंडस्ट्री खत्म हो गई, पत्थरबाजों की इंडस्ट्री खत्म हो गई। इतनी सारी पॉजिटिविटीज देखने के बाद भी, और आज की स्थिति तो जैसे मैंने कहा कि अब केवल गठबंधन 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 के नाम पे जो है चीजें नहीं चल सकती हैं। मैं आपको यकीन दिला दूं कि इस नए जम्मू कश्मीर में, बदले हुए जम्मू कश्मीर में भी यकीनन भारतीय जनता पार्टी जब भी वहां चुनाव होंगे पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इन दिनों राजौरी में बीजेपी के नेता लोगों के घर घर जाकर पार्टी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इस मौके पर लाभुकों ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लोगों ने कहा पहले उनके कच्चे मकान थे और अब प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से उनका घर तैयार हो गया है। राशन भी, पेंशन भी आई गई है, कार्ड ही बनी गया, और असंगी कह दें देई गए। अस शुक्रिया करना है कि मोदी और असंगी देई छोड़िया सब कुछ। असें जी मकान लब्भा, रोड़ा भी पंचायती बनी, बाकी है कि जो 70 साल ना काम रुके आप लब्भे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारी पीठ में 24 अप्रैल तक स्पीकर को देना होगा जवाब, हिमाचल हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई के दौरान दिए निर्देश। पूर्व सीएम धूमल का जन्मदिन आज, हमीरपुर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बेटे अनुराग ठाकुर ने पिता को दी बधाई। मुख्यमंत्री सुक्खू के हमीरपुर दौरे का चौथा दिन, तरोपका में कांग्रेस में के कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे उत्साह। बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू के खिलाफ दर्ज कराया आपराधिक मुकदमा, 15 करोड़ वाले सीएम सुक्खू के बयान पर मानहानि का लगा चुके हैं आरोप। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर हाईकोर्ट में सुनवाई, इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर हाईकोर्ट में विधायकों ने की अपील। कांगड़ा में सामने आया अभिभावकों की लापरवाही का मामला, कार में बच्ची को बंद करके खरीदारी के लिए चले गए अभिभावक, स्थानियों ने शीशा तोड़कर बच्ची को निकाला। लाहौल स्पीति में दारचा शिंकुला पादुम दर्रे से हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू, सीमा सड़क संगठन की टीमें सड़क खोलने में जुटी, लाहौल स्पीति वैली मार्ग कुंजम दर्रा अप्रैल के अंतिम सप्ताह जाएगा खोला। पंजाब के पूर्व मंत्री के बेटे समेत 5 लोग चिट्टे के साथ गिरफ्तार, शिमला के ओल्ड बस स्टैंड के पास एक युवती के साथ होटल में ठहरे थे आरोपी। हिमाचल में एचआरटीसी का मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा, ईद के मौके पर बसों में मुफ्त सफर। रामलाल मारकंडा को नहीं मिलेगी कांग्रेस से टिकट, मारकंडा के लिए टिकट के सभी दरवाजे बंद, लाहौल स्पीति में अपने कैडर के नेता को ही टिकट देगी कांग्रेस, जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया ऐलान। शिमला में निर्दलीय विधायकों का हाईकोर्ट में सुनवाई, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा का मामला। मंडी में प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर वेलफेयर ने जताई नाराजगी, निजी गाड़ियों की हायरिंग को लेकर जताई नाराजगी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीसी एसपी और आरटीओ को सौंपा ज्ञापन।
सोलन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने फुटकर विक्रेताओं पर की छापेमारी। दुकानों पर रेट लिस्ट ना लगाने को लेकर काटे चालान। छापेमारी के दौरान विभाग ने 170 किलो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुलगाम के वन कंपार्टमेंट नंबर N44 और V22 तंगमर्ग के वन क्षेत्र में आग लगने से जंगलों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि वन विभाग के कर्मचारियों ने सही समय पर कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया और इसे आगे फैलने से रोक लिया गया। वन विभाग ने लोगों से वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील भी की है। इमीडिएटली जब हमारे पास रिपोर्ट्स आई तो हमारा जो फॉरेस्ट अमला एकदम वहाँ पहुँचे और उन्होंने डाउजिंग ऑपरेशंस जो है स्टार्ट की। तो शाम देर तक हमने दोनों जगह पर जो फॉरेस्ट फायर थे वो हमने कंट्रोल किया। तो बदकिस्मती से आज जो इन दिनों जो यहाँ पर ड्राई प्रिवेलिंग कंडीशंस चल रही है उसमें खतरा रहता है हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ में आग लगने के, क्योंकि ये जो हमारे शफर्स वगैरह है ये जंगलों में जाके आग लगाते हैं वहाँ पे अपने गर्मी के सिलसिले में, तो बाद में ये उसको अनअटेंडेड वहाँ पे छोड़ देते हैं जिससे ये बाद में फैल जाती है और एक आग की सूरत में नमूदार होती है। चकराजपुरा नूरपुरा त्राल में तेंदुए के मौजूदगी की खबर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस इलाके में तेंदुआ देखा है। तेंदुआ कई गांवों पर हमला भी कर चुका है। बता दें कि वन्य जीव विभाग ने इलाके में जाल भी बिछाया है लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जा सका है। लोगों ने विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। تمو لگو سڑکہ کن وٹ تو تم ثل پہ آس بہ مسجد اندر مے ون ہند سو نژان کی ٹائم گو کھوفتن پتہ سدو اکس گانس پہ اس گانس پہ بہت تو وت سانے پہ تو تلن تم تھوج تمو تر ٹھٹ ٹھٹ تم تیس پہ کرکہ دن شور تلک زبردست ثول ام سڑکہ کن کھوت اتنی سٹاپ نش مڈل سٹاپس نش چکس پہ ثول سہ ہور کن یو وچھ اس مسجد مز مسجد شریفس مز کھوفتن نماز پتہ تمہ وز ات دار ست امند تقریباً دون منٹن رود سہ اخ ودنہ لٹ اس زیٹ مگر بڑ خوفناک اس سہ تو یم زرے نژان مگر اچھے زبردست کھوچان یت ساری ترہن شر اچھن مسجد پہ تمہ آئی گھن لکٹ شر زبردست خوف زبردست خوف زبردست خوف کی مان کی بوڑھن شام پہ کن شرین کر راش نبر مہ درو زبردست خوف بس امہ خطر گھس مہربانی سبیل گھن और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी फिलिस्तीन नहीं है, कशूर बोलने वाले फिलिस्तीनी नहीं है। कश्मीर का भारत के साथ हमेशा ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद ने करारा जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर घाटी फिलिस्तीन नहीं है, कशूर बोलने वाले फिलिस्तीनी नहीं है। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद बेग फोन लाइन पर हैं। तो जावेद अहमद जी, क्या है पूरा मामला? शुक्रिया वैष्णवी मुझे अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। ये बेसिकली मैंने उन्हें ही जवाब नहीं दिया है बल्कि जो हमारे मुल्क के खिलाफ एक ग्लोबल कबाल जो पनप रहा है, जो उभर रहा है, ये बल्कि उनके लिए भी एक जवाब है जो जिनका हमेशा मुनाफिकाना रोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ईद के मौके को इस बार चुना, बड़ा हसास मौका था। उन्होंने अपने ईद के मैसेज में कौम को एड्रेस नहीं किया बल्कि हमारे इंटरनल इशू में टांग अड़ाई की। हालांकि ये इखलाकन और समाजी जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके आधार से ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए मैंने जरूरी समझा कि एक कश्मीरी, खासकर एथनिक कश्मीरी, जो जिसे हम कशूर स्पीकिंग कश्मीरी कहते हैं, हम एथनिक कश्मीरी है, उनको मैं ये याद दिलाऊं कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन पैलेस्टीन एंड कश्मीर। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इट हैज हिस्टोरिकल
relations with the Bharatiya civilization. While if मुझे लगता है अगर उन्हें हकीकतन कोई बात लिखनी थी इस मैसेज के साथ तो वो बलोच के मुसलमानों की बात लिखते, वो गिलगित और बल्तिस्तान के जो हमारे कश्मीरी बेयारो मददगार लोग जिनको वहां आटे और नमक के लिए तड़पाया जाता है उनके लिए वो लिखते, जो जो वहां पे अकलियतों का जो हाल है चाहे उसमें हिंदू सिख क्रिश्चियन या अहमदी बरादरी के लोग पाकिस्तान में हैं जिनके मजहबी अकीदों की जगहों को भी वहां पे नहीं बख्शा जाता है उसकी बात लिखते, वो बार बार कश्मीर की बात कहकर अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. ये सारी दुनिया जानती है कि ही इज अ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वहां जिन्होंने इलेक्शन जीता जिस पार्टी ने इलेक्शन जीता वो लोग तो अभी जेल में है वहां पे, मुझे हंसी आ रही है उनपे. और उन्हें कोई हक भी नहीं है जम्मू कश्मीर के बारे में बात करने का क्योंकि उनके जेरे कब्जा नाजायज कब्जा जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है POJK और POGB. इसीलिए मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं कश्मीरी हूं, कश्मीर का मुसलमान हूं और कश्मीर का हिंदुस्तानी हूं, कि वो हमारे मसले मसाइलों में डांग अड़ाना बंद करे. उन्होंने 30-35 साल से जो बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का, उन्होंने जो जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर की, हमारे हजारों नौजवानों को कब्रिस्तानों में पहुंचाया, उसका वो जवाब दे. जी जावेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमें देने के लिए. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ. सोलन में बिक रहे एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक्स, डीसी को मिला एक्सपायरी डेट का कोल्ड ड्रिंक, खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की डीसी ने लगाई फटकार. ऊना में पति ने पत्नी की जलाकर हत्या कर दी, कंकाल बरामद, बेटे की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार. मेरठ में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का एक और मास्टरमाइंड गिरफ्तार, रवि अत्री के कब्जे से पेन ड्राइव और फर्जी कागजात बरामद. महोबा के खिदारी रेलवे फाटक के पास दो बाइकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में घायल दोनों बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत. कौशाम्बी में अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाना एक परिवार को पड़ा महंगा, दबंगों ने गड्ढे में भरा पानी, गड्ढे में डूबने से 10 साल के मासूम की मौत. बागपत में एक मकान में हुआ जोरदार धमाका, हादसे में एक ही परिवार के 5 बच्चे झुलसे, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती. अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में लगा लाखों का सामान जलकर राख, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया. महाराजगंज में जंगली जानवरों की दस्तक, जंगली गौर के हमले में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल. कासगंज में बैंक से रुपए निकालकर लौट रही महिला से एक की लूट, बाइक सवार दो बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस. महाराजगंज के फरिंदा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, नेपाली के निवासी के रूप में. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आगे बढ़ेंगे. सोनावारी के बोंग नौगाम इलाके में स्थानीय लोगों को पानी, पीने के पानी के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. महिलाओं ने बताया कि उन्हें दूर नदियों से पानी लाना पड़ता है, क्षेत्र में पीने का साफ पानी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है. उन्होंने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की है. मगर जह असल आब यप जुश् आब सिर्फ गंद आब आकर गोपन मारान तेर मारान अमे मसान ये चवान मोकुर आब चवान पे वे पकवान बस पा चवान. चलो क्या गुजारिश रोज गवर्नमेंट साफ आब ग त्रावा आब त्रावा नलक वन त्रावा अत मन टीर मकुर मजबूर चन खतर ये नीन खतर बदल के चमो नव गामस मन तो आब बन गामस मन तो आब मजबूर. श्रीनगर में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन ने नगर कीर्तन का आयोजन किया. कीर्तन का आयोजन जवाहर नगर गुरुद्वारे से भगत गुरुद्वारा शहीद बुंगा तक किया गया.
जुलूस में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी राजपाल सिंह ने बताया कि सिंह सजने की खुशी में बैसाखी मनाई जाती है। हमारे दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह ने 5 सीसों की मांग की थी, जिनमें भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, इन पांचों ने अपना सीस गुरु गोविंद सिंह जी के सामने भेंट किया था। तो उन्होंने 5 सिंह सजे थे, उनको अमृत की दात दी थी। पीवो पाहुल खंडे तार हुए जन्म सुहेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला, उनको अमृत की दात देकर सिंह सजाया था। इसलिए जो बैसाखी है, हम सिंह सजने की खुशी में बैसाखी मनाते हैं। उस इवेंट, उस बैसाखी को हम, ये जो नगर कीर्तन का इवेंट है वो समर्पित करते हैं। जो हमारी पूरी साध संगत आके इसमें हिस्सा लेती है और हम एक गुरुद्वारे से चल करके दूसरे गुरुद्वारे तक आ करके इसकी समाप्ति करते हैं। सब लोग अपने घरों से गुरुद्वारा साहिब में आते हैं। गुरुद्वारा साहिब में जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे होली गुरु हैं, उनके साथ पूरी संगत कीर्तन करते हुए, गतका का प्रोसेशन करते हुए एक गुरुद्वारा से लेकर दूसरे गुरुद्वारा साहिब तक आती है। तो ये हमारा एक मोटिव रहता है कि इसमें हम सारी संगत को जोड़ें, जो स्पिरिट ऑफ सिखी है, सर्विस है, उसको एक बार फिर से उजागर करें, और जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे गाइडिंग फोर्स हैं, उनके साथ हम चल के यहाँ तक आते हैं। तो बैसाखी को सिग्निफाई भी इसलिए करता है क्योंकि जब गुरु महाराज ने उस टाइम पे बैसाखी मनाई थी, उस टाइम पे भी बहुत सारे सिख आए थे, तो हम हर बार इस चीज़ को रिक्रिएट करने की कोशिश। और बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।